सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है और इन दिनों बीमारियों ने चारों तरफ से हम सबको घेर रखा है। कभी कोई सी बीमारी आ जाती है तो कभी कोई सी बीमारी। आपको इन सबसे दूर रहने के लिए अपने आप को सेफ रखना है, पौष्टिक भोजन खाना है, शुद्ध पानी पीना है और ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। चलिए पढ़ाई की तरफ देखते हैं। बच्चों, आपका अभी तक आप 8th में थे, आपने बहुत सारी चीज़ें व्याकरण में पढ़ी, सार लेखन, सूचना लेखन, डायरी लेखन, निबंध, पत्र, अनुच्छेद और भी कई चीज़ें पढ़ी। लेकिन 9th में जैसा कि आपको पता था कि सिर्फ निबंध आता था, एक संवाद आता था और एक पत्र आता था, लेकिन इस बार CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया है और अब की बार इन तीन निबंध 10 नंबर का आता था, पत्र 5 और संवाद 5 नंबर का आता था। इस बार इस 20 नंबर ने अपना रूप अलग कर लिया है। अब की बार 5 नंबर का निबंध की जगह अनुच्छेद आएगा, जो मैं आपको दिया था आपको पिछले प्रकरण में। 5 नंबर का पत्र आएगा, वो भी मैं आपको मई में करा चुकी हूँ। 5 नंबर का संवाद आएगा, वो मैं आपको जुलाई में करवा चुकी हूँ। और एक चीज़ बची थी हमारी, लघु कथा लेखन, वो मैं आपको आज PDF के माध्यम से समझा रही हूँ। इसकी दूसरी वीडियो में मैं आपको इसका विस्तृत रूप से और अच्छी तरह समझाऊंगी। शॉर्ट में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर लघु कथा लेखन है क्या। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लघु कथा लेखन है क्या, लेकिन लघु कथा क्या है, लघु कथा का अर्थ क्या है। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है, जिसमें लघु का अर्थ है छोटा और कथा वह है जो कही जाए। तो लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। लघु कथा अपने आप में एक बहुत छोटा सा रूप है, बहुत छोटी सी चीज़ है, जिसमें क्या है, सिर्फ कथा, कहानी, कथा माने कहानी विद्यमान है जो कही जाए। ये ना लघुता को छोड़ सकती है और ना कथा को। लघुता मीन्स ना ये अपने आप को बड़ा कर सकती है, अपना छोटेपन में ही रहती है, और न ये कहानी कथा को छोड़ सकती है। लघु कथा गागर में सागर भर देने जैसी कथा है। लघु कथा मीन्स छोटी कहानी, की कहानी का जो शीर्षक होता है उसको हम बहुत संक्षिप्त रूप में पूरा उसका जो हम बोलना चाहते हैं उस कहानी में हम लिख देते हैं, उसका सार जो होता है उसमें ही सब कुछ हो जाता है। इसलिए उसका मतलब है कि उसमें गागर में सागर भर देना, एक छोटे से घड़े में पूरे सागर का पानी भर देना। लघु कथा की परंपरा सदियों पुरानी है। लघु कथा कोई नई नहीं है हमारे लिए, ये बहुत पुरानी है। यह विधा हमारी जड़ों में विद्यमान है। शुरू से हम कहानियाँ बचपन से दादी माँ की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। कहानियाँ बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। जैसा आप सभी ने अपनी दादी नानी से विभिन्न विषयों पर नैतिक शिक्षा की कहानियाँ सुनी होंगी, नैतिक शिक्षा वह लघु कथा का ही एक रूप है। वह सब क्या है जो हमारी दादी नानी मम्मी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी बचपन में, वो सब क्या है, वो लघु कथा का ही एक रूप है। आज के समय में पंचतंत्र व हितोपदेश से जुड़ी कहानियाँ नैतिक विचारों को प्रकट करती हैं, वह कथा लघु कथा ही है। जैसा आपने कछुआ और खरगोश, शेर और चूहे की, एकता में बल आदि कहानी सुनी होगी, कक्षा में भी आपकी टीचर ने आपको बचपन से अब तक सुनाई होगी। हम नवीं कक्षा में आ गए हैं और अब नर्सरी से ही आप कहानियाँ अपनी टीचर से सुनते आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, सिर्फ कहानियाँ सिर्फ नैतिक शिक्षा की नहीं होती, पंचतंत्र, हितोपदेश, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो हम कंठस्थ, हमारे मन में कंठस्थ रहती हैं, जो हम जानते हैं और सुना भी सकते हैं। अब तो आप बड़े हो चुके हो, आपको बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, आपको लिखनी भी आती है। तो ये सब क्या है, ये लघु कथा का ही रूप है। लघु कथा के अंग, लघु कथा के महत्वपूर्ण अंग हैं कथानक, उसकी कथा कैसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या गुण अवगुण होने चाहिए, पात्र अनुकूल संवाद, जो भी कथा में, कहानी में, लघु कथा में जो भी पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके संवाद
उनके करेक्टर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, छोटे होने चाहिए संवाद, जो बात जिसके हिस्से की जो बात होगी वो वही कहे तो वो कहानी अच्छी लगती है। देशाकाल और वातावरण, कहानी का शीर्षक के अकॉर्डिंग उसका देशाकाल, उसका समय अनुसार और उसका वातावरण, चारों तरफ की बातें उस कहानी के अनुसार होने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शीर्षक कुछ और है और कहानी उसकी कुछ और है, सब कुछ वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। भाषा शैली, भाषा आपको कैसी प्रयोग करनी है यह आपको पता होना चाहिए कि उसमें भाषा कैसी होगी, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए और उसका उद्देश्य, हर चीज़ लिखने का के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है कि लघु कथा लिखी है हमने, जिस टॉपिक पर जिस शीर्षक पर लिखी है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमने किस उद्देश्य से उस कहानी को लिखा है, उस लघु कथा को लिखने के पीछे व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, लेखक का क्या उद्देश्य है। कहानीकार ऐसे ही लघु कथा नहीं लिखते, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य उनका ज़रूर होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को रखकर, ध्यान में रखकर ही कहानी को, लघु कथा को लिखना है, जो लघु कथा के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखें, लघु कथा के उद्देश्य क्या हैं। लघु कथा के उद्देश्य, नंबर वन, मनोरंजन। लेखक सॉरी पढ़ने वाले को, श्रोता या पाठक को पढ़ते समय, सुनने वाले को, श्रोता को और पढ़ने वाले को, पाठक को पढ़ते समय उस कहानी में मनोरंजन भी होना चाहिए। उसका मनोरंजन ये नहीं कि कोई कहानी सुना रहा है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला बोर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई कहानी पढ़ रहा है तो उसका मन भी उस कहानी को पढ़ने और समझने में लगना चाहिए, तभी हमारी कहानी एक मनोरंजन कहानी कहलाएगी। कल्पना शक्ति का विकास, जब बच्चों को स्वयं कोई भी लघु कथा लिखने के लिए, कोई कहानी लिखने के लिए दी जाती है तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। हमेशा टीचर या घर पर पेरेंट्स या ट्यूटर आपको कोई भी टॉपिक देगा, हमेशा वो आपको सारी लाइंस नहीं बताएगा, आपको खुद सोचने समझने की, आपके मस्तिष्क की ऐसी कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए आपकी मन में ऐसी पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए कि आप सोचने समझने में सक्षम हों कि आपको जो शीर्षक दिया गया है या आपको जो भी लाइंस दी गई हैं आपको लिखना कैसे है। इससे आपकी कल्पना शक्ति का ही विकास होता है, आपकी माइंड इमेजिनरी पावर ही डेवलप होती है। तीसरा है तनाव से मुक्ति और सुप्त जिज्ञासा जागृत होना। कई बार हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, कोई टेंशन होती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उस समय कई लोग क्या लिखते हैं, कहानी लिखने लगते हैं जिससे उनका मन हल्का हो जाता है। हम उस समय हमें तनाव से मुक्ति मिल जाती है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। सुप्त जिज्ञासा जागृत होना, हमारे अंदर की जो जिज्ञासा होती है, हमारे अंदर के जो भावनी होते हैं वो हमारी कहानी में दिखने लगते हैं, नज़र आने लगते हैं जब कोई सुनता है या पढ़ता है तो इससे हमारे मन के तनाव से मुक्ति होती है और सुप्त जिज्ञासा हमारे मन की जागृत होती है, हमारे मन के विचार हमारी भावनाओं में लघु कथा को लिखने में नज़र आने लगते हैं। प्रेरणा व चरित्र निर्माण, हमें कहानी लिखने से प्रेरणा मिलती है, लोग हमारे शाबाशी देते हैं तो हमें और भी बहुत सारे शीर्षकों पर कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है, वह हमारे चरित्र का निर्माण होता है। बच्चों, इंसान का जैसा चरित्र होगा वही उसके व्यवहार आचरण में दिखता है, ये बात झुठलाई नहीं जा सकती। अगर आप कोई कहानी लिखते हैं, आपके अंदर भावनाएं अच्छी होंगी तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, यदि आपकी भावनाएं गलत होंगी, आपका मन ही शुद्ध नहीं होगा तो आप कहानी भी ढंग से नहीं लिख पाएंगे। जागरूकता व सजगता, आप मान लो कोई भी रिसेंट टॉपिक पर, कोई भी रिसेंट कुछ भी चल रहा है भारत में, आपको उस टॉपिक पर कहानी लिखने को दे दी जाए, अगर आप जागरूक हैं अपने देश में घट रही घटनाओं से तो आप उस पर लिख पाएंगे कहानी, वरना आप नहीं लिख सकते। सजगता, आपको सजग रहना पड़ता है कि हमें इसमें लिखना क्या है, क्या है ये। भाषाई व शैली का विकास, आम बोलचाल की भाषा में तो कोई कुछ भी लिख लेगा, लेकिन प्रॉपर भाषा, सही व शुद्ध भाषा का प्रयोग व सही व शुद्ध शैली का प्रयोग अगर हमारी लघु कथा में मिलता है तो हमारे अंतर्गत भाषाई व शैलीगत आदि चीज़ों का विकास होता है। सृजनात्मकता, हमें नए नए टॉपिक्स पर लिखने की अगर प्रेरणा मिलती है, हम लिख सकते हैं तो हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी मानसिक क्षमता का भी विकास होता है, हमारे अंदर सृजन होता है, नई नई चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति हमें मिलती है और हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है। उच्च स्तर पर कथाकार, लेखक, चित्रपट कथाकार तैयार करना,
जब आप छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने काम में परफेक्ट हो जाते हैं। आप कथाकार भी बन सकते हैं, कहानीकार भी बन सकते हैं। लोग आपकी कहानियों को शौक से पढ़ना चाहेंगे, आपकी किताबों को खरीदना चाहेंगे, आप प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। उच्च स्तर पर कथाकार मीन्स आपको जब आप कोई चीज़ लिखते हैं आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं, आप लेखक बन सकते हैं। चित्रों के आधार पर आप अपनी कथाकार अपनी कहानी को तैयार कर सकते हैं। तो ये थी एक लघु कथा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप किसी भी टॉपिक पर लघु कथा लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अब की बार आपके एग्ज़ाम में ये फ़र्स्ट टाइम आएगी, इंग्लिश में तो आती है, हिंदी में आपकी फ़र्स्ट टाइम आएगी। तो बच्चों, ये आपके कई तरीक़ों से प्रश्न आ सकता है आपके पेपरों में। आपकी आगामी परीक्षाएं S7 स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपका ये किसी भी रूप में आ सकता है। अगर मैं उदाहरण बताऊँ आपको ओरली, तो आपको कोई शीर्षक दे दिया जाए, 3 शीर्षक दे दिए जाएँ और उनके 3-4 बिंदु दे दिए जाएँ, उसके आधार पर आपको लघु कथा लिखनी हो, या आपको पहली लघु कथा की 1, 2, 3 लाइन दे दी गई, बाकी लघु कथा आपको तैयार करनी हो। तीसरा पॉइंट है, आपको आउटलाइंस दे दी गई, मेन आउटलाइंस दे दी गई, वर्ड्स दे दिए गए, आपको उन वर्ड्स के आधार पर लघु कथा लिखनी हो। तो 2-3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आपकी परीक्षाओं में ये लघु कथा लिखने को आ सकती है। मैंने आपको पिछले प्रकरण में अलंकार पढ़ाया था, आज मैंने आपको लघु कथा की वीडियो दी है। अगले प्रकरण में मैं आपकी क्या बोलते हैं अलंकार आपके मैं पूरे करूँगी और उसके बाद मैं लघु कथा का भाग 2 दूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रहें और अपना कार्य पूरा करें। साई राम।